ये भारत का सबसे प्राचीन व्यापारी मार्ग है और यही वो व्यापारी मार्ग है जहाँ पर टैक्सेस के रूप में चांदी के कॉइन जो है जमा किए जाते थे। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी या इस नेचर का कितना ब्यूटीफुल नजारा है। आज हम भारत के बहुत ही एंशियंट प्लेस की तरफ जाने वाले हैं। भारत का एंशियंट जो व्यापारी मार्ग था, जो बिजनेस का एक बहुत ही प्राचीन मार्केट था, उस तरफ जाने वाले हैं जिस जगह का नाम है नानेघाट। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार वानखेड़े और स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आज हम नानेघाट के बिल्कुल व्यू पॉइंट पे आ गए हैं दोस्तों, और यही से हम आज का वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यहां से कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, देखिए। और इसी नानेघाट के ऊपर से जो पीछे एक माउंटेन आप देख रहे हो, वहाँ पर जीवधन किला है। तो इसके बाद में हम जीवधन किले की भी ट्रैकिंग करेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस मैं हमेशा आपके लिए लेके आता रहूँगा। और ये जो नानेघाट है, ये सातवाहन राजवंश ने इस नानेघाट का निर्माण किया था। ये भारत का सबसे प्राचीन व्यापारी मार्ग है और यही वो व्यापारी मार्ग है जहाँ पर टैक्सेस के रूप में चांदी के कॉइन जो है जमा किए जाते थे। और शाम तक रोज़ाना पत्थर का एक बहुत ही बड़ा घड़ा था, वो पूरी तरह से चांदी के नानों से भर जाता था। और उस धन को स्टोर करने के लिए यहाँ पे उस तरफ देखिए, वहाँ पे जीवधन किले का निर्माण किया गया था। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको ये पत्थर में बनाया हुआ बहुत ही भव्य ऐसा कुंड दिखाई दे रहा है, एक्चुअली उस दौर में यहाँ पे जो व्यापारी आते थे उनको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था, एक चांदी का सिक्का यहाँ पे डालना पड़ता था, वो उनके लिए व्यापार करने का टैक्स हुआ करता था। जैसे हमने उस पत्थर में बने कुंड को देखा जहाँ पे यहाँ पे व्यापारियों से टैक्स जो है जमा किया जाता था उस कुंड में, एक दिन में वो पूरा भरना जो है चांदी के सिक्कों से भर जाता था। उसके बिल्कुल बगल में यहाँ पे गणेश जी का एक मंदिर है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो नानेघाट है, ये फर्स्ट टू सेकंड सेंचुरी BCE में इसका निर्माण जो है सातवाहन राजवंश ने इसका निर्माण किया था। और इसके कुछ शिलालेख भी मिले हैं जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। पहले हम गणपति जी का दर्शन लेते हैं। नानेघाट, और जिसे हम नानेघाट की गुफाएं भी कहते हैं, ये पश्चिम घाट में स्थित पर्वतीय दर्रा है जो कोकण समुद्र तट और जुन्नार नामक प्राचीन गांव के बीच में स्थित है। पुणे शहर से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर है और मुंबई से 165 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको तो पता ही होगा कि जुन्नार में शिवनेरी किला है जो स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म स्थान है। तो आप अगर इस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो शिवनेरी किले का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है, तो उसे भी आप देख सकते हो। ये जो नानेघाट की गुफाएं है, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन स्थान है। इस नानेघाट की गुफाओं का निर्माण सातवाहन काल में हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं इन गुफाओं का निर्माण किसने किया था? सातवाहन काल की एक क्वीन ने इस पूरे नानेघाट का निर्माण किया था। कहा जाता है कि वो बहुत ही बहादुर रानी थी। उसके राज्य में आने वाले हर एक व्यापारी से टैक्स वसूल करने के लिए उस रानी ने इस नानेघाट के गुफाओं का निर्माण किया था। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है इस तरह की एक मूर्ति, और जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ एक बहुत ही बड़ी गुफा है। एक्चुअली ये गुफा जो है अभी बंद है, जो हम ओपन करके देखेंगे इसको।
यहाँ की पूरी गुफाओं के बारे में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने स्टडी की तो उन्हें यहाँ हिंदू धर्म के कुछ इंस्क्रिप्शन मिले। इन गुफाओं का काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी या ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ये माना जाता है। और इसी नानेघाट के काल का एक इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश के मल्हार गांव में मिला, जहाँ पे इंस्क्रिप्शन तो मिला ही लेकिन वहाँ पे वैष्णव की एक बहुत ही बड़ी इमेज भी मिली। यहाँ मिले इंस्क्रिप्शन में 2, 4, 6, 7, 9 के लिए विश्व के सबसे प्राचीन अंक संकेत खुदे गए, जो आज के मॉडर्न काल के अंकों से मिलते हैं। जो भारत का सबसे प्राचीन व्यापारी मार्ग था वो जगह पे आ गए हैं और यहाँ पे सातवन काल में जो है कुछ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कुछ गुफा जैसा बनाया गया है। और इस गुफा के बारे में मैं और कुछ मिस्टीरियस थिंग आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों इधर आइए, यहाँ पे एंशियंट टाइम में कुछ मूर्तियां बनाई थी, उनके घर के मेंबर के कुछ मूर्तियां बनाई थी। एक्चुअली वो अब टूटी हुई है लेकिन उन मूर्तियों के बेस जो है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ऐसे बहुत सी जगह पे पूरे फैमिली के जो है स्टैचू यहाँ पे बनाए थे। तो अभी जो है वक्त के दायरे में हम उन्हें नहीं देख सकते लेकिन बाकी का नजारा देखिए बहुत अच्छा देखिए। और सातवें काल में जो है इस जगह पे पानी का स्टोरेज भी अच्छी तरह से उन्होंने सोच के यहाँ पे बनाया था, जो कि बाहर है वाटर टैंक जो मैं आपको दिखाऊंगा। इधर है ये देखिए वाटर टैंक, और इसके आगे भी बहुत सारी इसी तरह की वाटर टैंक है जिनके ऊपर ये लोहे का जो है ये लगाया हुआ है, क्योंकि लोग बहुत आते हैं तो उनकी गिरने की संभावना है इसी वजह। और भी यहाँ के कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अनुसार ये वक्त वैदिक काल को मानने वाला वक्त था, ऐसा यहाँ पे दर्शाया गया है। ये वैदिक काल को मानते थे, जैसे कि इंद्र, सूर्य, सातवाहना डायनेस्टी ने बलराम और वासुदेव यानी कि कृष्ण भगवद गीता ट्रेडिशन में हिंदू धर्म को दर्शाया गया है। तो हम जैसे ही इस नानेघाट को आ गए, रमेश दिघे जो हमारे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर है, जो आपका गांव कौन सा है? मानकेश्वर। मानकेश्वर गांव के है, तो बहुत ही अच्छा लगा ये हमें यहाँ पे मिले अपनी पूरी फैमिली के साथ। और यहाँ नानेघाट में एक ऊंचाई पर बहुत ही जबरदस्त व्यू पॉइंट है जिसे हम देखने वाले हैं। इस तरफ देखिए ये जीवधन किले का टॉप व्यू, देखिए कितना बेहतरीन व्यू पॉइंट। इस तरह से हमने नानेघाट की पूरी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और साथ ही यहाँ का पूरा व्यू ले लिया है। तो ये वीडियो जो है यही पे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।